कैंसर राशि विद स्कॉर्पियो आपका रिलेशनशिप कैसे रहेगा. सो कैंसर राशि वाले जो हैं उनका स्कॉर्पियो राशि के साथ रिलेशनशिप है तो ये वीडियो आपके लिए है. मून साइन आपको चेक करना है. दिस इज़ गीतू मीरपुरी फ्रॉम डिवाइन टचिंग अकेडमी. डिवाइन टचिंग अकेडमी में टैरो एस्ट्रोलॉजी के क्लासेस कंडक्ट होते हैं. आप ये क्लासेस ऑनलाइन भी सीख सकते हैं. आपका जो रिलेशनशिप है एट प्रेजेंट बहुत ही एनजाइटी से गुजर रहा है. आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं. आपको रात को नींद नहीं आती है. आपके थॉट्स आपको बहुत परेशान करते हैं और आपको डर लगता है बार बार कि ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा और आपकी सोल बहुत दुखी होती है इसमें से. तो कहता है टैरो आपको एडवाइस दे रहा है कि आप बहुत ही कैजुअली लें अपने रिलेशनशिप को. आपके स्टार्स नेगेटिव हैं लेकिन आपके पार्टनर के स्टार्स पॉजिटिव हैं. उसकी वजह से ये रिलेशनशिप चल रहा है और आपके पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने की. अनमैरिड है तो मैरिज तक, कमिटमेंट तक लेकर जाने की आपके पार्टनर फुल कोशिश कर रहे हैं. इसीलिए आपको बहुत ईजी लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है. फैमिली फ्रेंड्स का आपको सपोर्ट मिलने वाला है. कैंसर राशि जो है आपको आपकी नींद पे बहुत ध्यान देना है. आपकी लैक ऑफ स्लीप जो है वो आपके रिलेशनशिप को भी डिस्टर्ब कर सकती है. आपको ग्रीन सौंफ लेने हैं, पिलो के नीचे रखने हैं जिससे आपकी नींद प्रॉपर होगी. गणेश जी की आराधना करनी है, डॉग्स को खाना खिलाना है और ब्लैक ब्लैंकेट आपको मंदिर में या फिर गरीब लोगों में डोनेट करना है. हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है. गुरु के ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर. आप जितना हो सके पॉजिटिव एफर्मेशंस, आप स्विच वर्ड्स और एनर्जी सर्कल का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और स्विच वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी स्पीच पॉजिटिव होगी, आपके वर्ड्स पॉजिटिव होंगे और आपके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे. आप रेकी लर्न कर सकते हैं. बेसिकली कैंसर राशि वाले जो हैं उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है तो आप अपने इंट्यूशन को और पावरफुल बना सकते हैं. रेकी, मेडिटेशन, लामा फेरा, एक्सेस बार, मैग्नीफाइड हीलिंग ऐसे क्लासेस लर्न करके आप आपके इंट्यूशन पावर को और पॉजिटिव बना सकते हैं. आप जो सोचते हैं वो होता है, इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में दें. आप मंत्र चैंटिंग करें, चैरिटी करें, आप हवन करें, पूजा पाठ करें और दिन में 4-5 बार आप भगवान की आराधना करें. आपके थॉट्स को पॉजिटिव रखें. मेडिटेशंस में आप विजुलाइज करें कि सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, कहीं भी आप नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने दें. रेकी आपके लिए बेस्ट है क्योंकि रेकी हमारे ऑरा में से, हमारे चक्रास में से नेगेटिविटी निकाल देती है जिससे सिर्फ पॉजिटिविटी हमारे लाइफ में आती है और आप पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव वर्ड्स को, पॉजिटिव पीपल को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हो. इससे आपके करियर और फाइनेंस में भी आपका फ़ायदा होता है, आपका रिलेशनशिप भी पॉजिटिव रहता है. थैंक यू.